नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर सहित पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। किसान दिवस पर जिले के किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी दुगनी करने का जिलाधिकारी ने किया आह्वान। राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों ने मनाई चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित हुई गोष्ठी, लोगों को उनके अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में जनपद में पहली बार आयोजित हुई शस्त्र पंचायत। पिछले दिनों अधिवक्ता और लेखपाल के बीच विवाद में लेखपालों ने लिया यूटर्न, अधिवक्ता को दोषी न मानते हुए की कानूनगो के निलंबन की मांग। उचित मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। साइलेंट जोन का पालन करते दिखे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। 4 जनवरी को चरगावा में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। 8 जनवरी से आयोजित होगा ADHD से प्रभावित बच्चों के पहचान के लिए मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम। 20 पुड़िया हीरोइन के साथ कैंट पुलिस ने दबोचा युवक को, भेजा जेल। जिलाधिकारी की निगरानी में 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक सभी तहसील मुख्यालय और नगर क्षेत्र में होगा राशन समाधान दिवस। जिलाधिकारी ने प्रदेश के पहले महिला चेतना उपवन का किया उद्घाटन। राजस्व गांव घोषित वनटांगिया गांव को ग्राम पंचायत गठन कर शासन को रिमाइंडर भेजने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिले के सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों और उनके परिवारों को जारी होगा नया परिचय पत्र। और 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। पहले मैच में एडवोकेट क्रिकेट लीग ने एंटी करप्शन कमेटी को 21 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। जिले के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी दुगनी करें, इसके लिए कृषि, उद्यान, मत्स्य पशुपालन एवं विभागों से संपर्क करें। यदि कोई अड़चन आती है तो CDO या स्वयं उनसे जन सुनवाई में अवगत कराएं। ये बातें जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने किसान सम्मान दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 26 किसानों को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और प्रथम और द्वितीय को नगद राशि देकर सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनको सुविधाएं देने तथा आय वृद्धि में शासन प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग जनवरी माह में जिले में 500 किसानों को औद्योगिक फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगा, साथ ही किसानों को भ्रमण भी कराएगा। उन्होंने 5 किसानों रामानंद, सदानंद, गुलाबचंद, रामदुलारे, भोला प्रसाद, कमला को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड दिया और किसानों से अपील किया कि वे अपनी खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले परमानंद मिश्रा, रामजी दास, रघुपति यादव, परमहंस वैजनाथ मौर्य, श्रीमती मधुलिका सिंह, श्री भगवान राज मौर्य, अमित राय, मीरा देवी, अजय कुमार, अशोक कुमार, जयप्रकाश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। हरगोविंद सिंह, राजकिशोर, उमेश नारायण, राज नारायण, जगतनाथ, निषाद, विक्रम मौर्य, शिवप्रसाद, योगी, बेचन, शंभु यादव, दिलीप यादव, भैया राम, राकेश प्रताप तथा धनुषधारी कुमार को द्वितीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित इस सम्मान समारोह में जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर तथा उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री तथा प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए किसानों के हित के लिए सर्वाधिक निर्णय लिए।
उनके सम्मान में कृषि प्रधान इस देश में किसानों का सम्मान दिवस आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने देश के किसानों की प्रशंसा किया कि वे 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने में सफल हो रहे हैं, जबकि आजादी के बाद के वर्षों में खाद्यान्न आयात किया जाता था। खेती की सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो गेहूं धान उगाने के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोत्पादन, दुग्ध उत्पादन भी करें, जिससे उनकी आय बढ़ सके। समारोह का संचालन उपनिदेशक संजय सिंह ने किया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने किसानों को तकनीकी जानकारी दिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारी तथा भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों द्वारा शनिवार को डाक बंगले में चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर दल द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्षों पर चर्चा कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संगोष्ठी से पूर्व दल के सदस्यों ने डाक बंगले स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह सैथवार, महामंत्री नरेंद्र श्रीवास्तव, रजनीकांत मिश्रा, रामकिशन, अनिल पांडे, राकेश गुप्ता, नरेश्वर तिवारी सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा। चलिए आप जूता जरूर निकालिए, होते गुलाब वाला फूल आप चढ़ा दीजिए। अरे चली जाए, चलते रहे, है कि नहीं, छिड़क दे भैया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, हर जिले में मनाई जा रही है। स्वर्गीय चौधरी साहब एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश को जो दे गए, अभी तक कोई प्रधानमंत्री वो चीज़ नहीं दे पाया, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय लोकदल आज उनके जन्मदिवस समारोह मना रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम दिवस की पूर्व संध्या पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा शनिवार को सिविल लाइन स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम परिसर में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्रा, ब्रिजेश कुमार, ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव, नरेंद्र दुबे सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जागरूकता के कमी के कारण लोग आए दिन प्राइवेट कंपनियों से ठगी के शिकार हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में जागरूकता है भी तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की जहमत नहीं उठाना चाहते। इसका फायदा उठाकर आज भी प्राइवेट कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर ऐसी ठगी करने वालों के खिलाफ जरूर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आज 23 अप्रैल रविवार है, इसलिए यह माना गया कि हम लोग एक दिन पूर्व संध्या पर उपभोक्ता दिवस पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं
और यह कानून इस देश के लिए एक वरदान साबित हुआ है उन उपभोक्ताओं के लिए जो आए दिन घरेलू सामान खरीदते हैं और ठगे जाते हैं, उन्हें उसके अनुसार वस्तु नहीं मिलती है, सेवा नहीं मिलती है। जैसा कि आज भी हम महसूस करते हैं कि लगभग 21 वर्ष से अधिक हो गए, आज भी लोग इस कानून के बारे में भली भांति उस वक्त नहीं जानते हैं, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता महसूस की जाती है। और अध्यक्ष जी के चेयरमैन साहब के अध्यक्षता में हम लोग सार्वजनिक स्थलों पर खासतौर से गोरखनाथ जी के मेले में और अन्य प्रभा मेले में इस तरह से सामाजिक आयोजनों में भाग लेकर के जन सामान्य को उपभोक्ताओं के अधिकार और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि जो मुकदमे यहाँ आ रहे हैं उसमें ऐसा पाया जाता है कि आज भी लोग उपभोक्ता कानून के बारे में विस्तृत उपभोक्ता आज भी बहुत कम है। अब सबसे चालाक कंपनी बीमा पैसा करती है, इतना पैसा आपको दिया जा रहा है, दस्तखत कर दीजिए और उसमें लगा देते हैं कि पूर्ण संतुष्टि में प्राप्त किया है। ये इस तरह से जो है कार्रवाई करके चीट कर रहे हैं और उसके बाद कंज्यूमर जो है दावा करता है तो कहते हैं तो पूर्ण संतुष्टि में प्राप्त कर चुके हैं, वही फेल हो जाता है और उसको पूरी बात न बताई जाती है न सुनाई जाती है, पैसे के लालच में दस्तखत जहाँ चाहे तहाँ करा कर ले लेते हैं और पॉलिसी भी इसी तरह जारी करा लेते हैं और बाद में जो है उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजकल के युग में जितने टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतने चीटिंग की कार्रवाई तेजी से हो रही है। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में जनपद में पहली बार शस्त्र पंचायत का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें कुल 17 प्रकरण उनके समक्ष लाए गए, जिनमें से 5 स्थानांतरण के आधार पर तथा 5 वरासत के आधार पर उनके वारिसों के नाम परिवर्तित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के उद्देश्य से इस प्रकार की शस्त्र पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी लगातार शस्त्र पंचायत का आयोजन होता रहेगा। और संतोष त्रिपाठी, रमेश त्रिपाठी और उनके नारायण जी के जगत नारायण है, विजय नारायण है, संतोष है, रमेश है। जी सर, ये कह रहे हैं ना? जी जी, हमारे सर जिसके नाम से अप्लाई हुआ है, आपके सर इनका इनके जगन्नाथ त्रिपाठी, ये हमारे बाबा श्री हमारा नाम क्या है सर? विजय नारायण त्रिपाठी तो सर पिताजी के चाचा और आपका एक ही नाम है? अरे एक ही नाम हो गया, एक ही नाम हो गया। चाचा कहाँ है? सर लखनऊ रेलवे में रहते हैं। नाम नहीं है? नहीं, ये चाचा तो यही है सर, इन लोग का नाम ये जगत नारायण और विजय नारायण आपके चाचा भी है। लंबी कहानी ये वाला है क्योंकि इसमें इन सभी के लड़के होंगे। इनके लड़के कौन है? विजय नारायण? ये नहीं, प्लेयर नहीं है। अगर इनके जगदीश नारायण जी के बेटों में से आप में से किसी को हो रहा होता, सारे भाई मना कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, इनको दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोते तो कई होंगे, 4 भाई छोटे छोटे तो आए नहीं ना इसमें? उसमें लिखा गया था ना, दिया गया था, लिखा है इसमें? इसमें नहीं दिया गया था, क्यों नहीं? उसमें और लोग आए हैं, बाहर भाई और सब लोग आए, सब लोग हाथ देख लीजिए, और लोग आए हुए हैं, रमेश भी आए हुए हैं, संध्या भी आए हुए हैं। अरे यार, तो जो अगर ये लेना चाह रहा है तो उसका कोई रिश्ता तो आएगा लिख के फाइल के ऊपर, तुम कहाँ हैं? फाइल कहाँ ले जाऊँ? बैठो फाइल कम्प्लीट नहीं, मैं किसको आप लोग ये फाइल चलाते हैं? हम लोग परेशान करते हैं, तो आजमगढ़ का बना हुआ है तो यहाँ कैसे बनेगा? एनओसी से नहीं होता है, दर्ज होना चाहिए हमारे एनओसी से। पहली बार जब यहाँ आए थे तब क्यों नहीं कहा था कि आजमगढ़ में आप अप्लाई करिए? अगर आपके रजिस्टर में, आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में दर्ज है तो यहाँ से जारी हो सकता है, और नहीं है तो कैसे करोगे? लाइसेंस आपका ही नहीं वहाँ आजमगढ़ में दर्ज है भी है? वहाँ से आप यहाँ पूरी फाइल भेज देंगे ना वहाँ पर? आजमगढ़ में दर्ज है, ये बात क्यों करो? आपके रिकॉर्ड में नहीं करें तो कैसे आप जारी कर दोगे? मुंडी ला रहे हैं, परेशान करते हैं आपके, दर्ज हो गए तो हम अभी कर देंगे, दर्ज नहीं है ना। पिछले दिनों एक वरासत को लेकर वकील और लेखपालों के बीच हुए विवाद में लेखपाल संघ बैकफुट पर आ गया है।
इस मामले को लेकर लेखपालों ने शनिवार को तहसील भवन स्थित सभागार में बैठक भी की। बैठक में लेखपालों ने अधिवक्ताओं को क्लीन चिट देते हुए गलत तरीके से वरासत कराने वाले कानूनगों के निलंबन की मांग पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। बैठक में तय हुआ कि अगर 30 दिसंबर तक दोषी कानूनगों को निलंबित नहीं किया गया तो संघ वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष नीलकंठधर दुबे, उपाध्यक्ष राम केवल सिंह, मंत्री जगदीश, कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश सिंह सहित जनपद के सभी तहसीलों के लेखपाल उपस्थित रहे। हमारे संस्था की ये परंपरा है कि हम पहले ही वंदना करते हैं। उस घटना के बारे में हम लोग आज बजे रात तक नहीं जान पाए कि किस बिंदु को लेकर के घटना हुआ, क्योंकि कल जो सिचुएशन पैदा हो गया था, हमारे जो साथी जो प्रभावित थे वो अपना मोबाइल भी चार्ज करके कहीं छुपे हुए थे। शायद अगर वो छुपे नहीं रहे कोई भी अपनी घटना घटने की प्रबल संभावना थी। उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कल का सिचुएशन था उस सिचुएशन में हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता गण थे उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला, क्योंकि उस मास को हटाने के लिए उस समय मात्र 4 से 5 ही लोग थे। उस समय हम थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे तहसील खजरी के 2 साथी थे, धनंजय जी थे और एक विश्वजीत साई जी थे। बहुत अथक प्रयास और ये मशक्कत आधे घंटे तक। उस बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे तहसील के मुखिया जूम कर लो माननीय तहसीलदार साहब आए और उन्होंने जब सिचुएशन देखा तो साथियों वहां सांत्वना देने के बजाय वो नीचे चले आए, जबकि उनको खड़ा होकर के हमारे अधिवक्ता गण को समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, हमारा सहयोग करना चाहिए था। हमारा जो भी साथी था वहां कोई विवाद के उद्देश्य से नहीं था, सारे मेरे साथी जो भी थे वो मात्र इस झगड़े को शांत कराने के रूप में खड़े थे। इसी चीज को मधुबन सिंह कानो ने बात का वक्तव्य बनाया और हमारे उस वरिष्ठ अधिवक्ता साथी को समझाने का कोशिश नहीं किया। शायद वो हमारे साथी को समझाए होते तो इतना बड़ा विवाद लेखपाल और अधिवक्ता संवर्ग में नहीं होता। बहुत सी अंदरूनी बातें हैं अभी मैं आपको शेयर करूंगा। इस बीच में लेकिन हमारे कानपुर साहब ने दुर्भाग्य पर उस अधिवक्ता महोदय से बात करके कहा मेरे लेखपाल कि आप जाओ बयान कर दो। ये सारे विवाद का जल हमारे राजस्व निरीक्षक माननीय मधुमन सिंह जब मीटिंग होता है तो बातें करते हैं इसे जैसे लगता है कि अब आसमान में जैसे तारा चमकता है मात्र एक तारा है, उसी तरह हमारे तहसील सदर में अगर कोई चमकता है तो एक कानून है वो है मधुमन सिंह। इस पूरे विवाद के जल ना ही अधिवक्ता का दोष है ना ही मेरे साथी का दोष है, सारा दोष अगर है तो राजस्व निरीक्षक प्रतिमा सिंह किया जाए, जो भी किया जाए वो कम है। मेरे साथियों के साथ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है उनके साथ जो भी कार्रवाई किया जाए
वो कम है। और इतना ही नहीं, वो बेईमान यहां सामने मिला, जब मैंने उससे बात किया तो कहा मैं अभी अधिवक्ता से बात कर रहा हूं। एक मैं छोटा सा बात हम लोगों ने कहा, एक मैं छोटा सा बात कहा, उस बात पर सबकी सांसें अटकने लगी। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हो रहे जमीनों और मकानों के अधिग्रहण में उचित मुआवजा न दिए जाने के विरोध में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को अपने मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सोहनलाल, रामगुलाम, रामप्रताप, कमरे आलम, डॉक्टर सरुद्दीन, प्रदीप सिंह सहित यूनियन के कई सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के जिलाध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने बताया, ले लिए लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग बेली पार चौराहे जो बासगांव तहसील के अंतर्गत है, वहाँ जो NHI के द्वारा जो जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसके मुआवजे के संबंध में हम लोग आए हैं। बेली पार एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और किसान वहाँ पे घर बनवा करके अपने दुकान करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और मात्र यही एक उनका सहारा है। जो मुआवजे का प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है वहाँ पे मकानों के प्रतिकर का केवल मूल ही दिया जा रहा है, उनको तोषण और प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगा करके अगली कार्रवाई की जाएगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर साइलेंट जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से पालन किया साइलेंट जोन में अपनी मांग को लेकर आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने। यूनियन के सदस्य शनिवार को किसानों और व्यापारियों की जमीन के मुआवजों की मांग को लेकर यहां पर आए थे। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने हाथ उठाकर प्रदर्शन का संकेत तो दिया लेकिन नारेबाजियां नहीं की। इससे पूर्व में नारेबाजी करते हुए कई दल अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए, जिन पर जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारगावा गोरखपुर के परिसर में 4 जनवरी 2018 को एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है, जिसमें जनपद के समस्त अधिष्ठान भाग लेकर अपना अपना योगदान देकर मेले के आयोजन को सफल बना सकते हैं। रोजगार मेले में भाग लेने हेतु अपनी सहमति पत्र एक निर्धारित तिथि पर प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारगावा को 26 दिसंबर 2017 को उपलब्ध करा दें। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा डिलेक्सिया और ADHD के प्रभावित बच्चों के पहचान के लिए मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम 8 जनवरी 2018 से 10 जनवरी 2018 के मध्य राज्य की दृष्टिबाधित बालिका
का छात्रावास नॉर्मल कैंपस में प्रस्तावित है। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद में ICSE, CBSE, UP बोर्ड और पब्लिक स्कूल में कार्यरत सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान इच्छुक हों वे 30 दिसंबर 2017 के मध्य किसी भी कार्य दिवस पर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन गोरखपुर में आके अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 20 पुड़िया हीरोइन के साथ कैंट थाना पुलिस ने कुशीनगर जिले के रहने वाले सेवरही थाना तमकुही रोड के निवासी विजय वर्मा पुत्र महावीर प्रसाद वर्मा को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विभिन्न तहसीलों में आयोजित होने वाले समाधान दिवसों और जनता दर्शन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी की सूची के नाम सम्मिलित कराने बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिन्हित लाभार्थियों द्वारा भी खाद्यान्न के वितरण के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त होने का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने पूर्व में जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित दिया था कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों के चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों मापदंडों के अनुसार गहनता पूर्वक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 27 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर नगर क्षेत्र में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक राशन समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। समाधान दिवसों में आने वाले प्रत्येक शिकायतों का रजिस्टर में दर्ज कराया जाएगा और राशन समाधान दिवस में सभी रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सभी सहायक विकास अधिकारी और सभी उचित मूल्य विक्रेता अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को क्षम्य नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सबसे पहले महिला चेतना उपवन का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने पाली ब्लॉक के कुंवार ग्राम पंचायत के कनकपुरवा टोला में किया। लगभग 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित इस उपवन पर 60 लाख से अधिक की लागत आई है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिले में 4 अन्य महिला चेतना उपवन बनकर तैयार हैं। जिले के अन्य गांवों में भी उपवन बनाने जाने की जमीन तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए तो पूर्व में ही बाग बगीचे स्टेडियम बनते रहे हैं, गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए पहली बार गांव में ही एक खुला स्थान बनाया जाएगा जहां वे अपने घरेलू कार्यों से फुर्सत पाकर एकत्र होंगी। यहां वे अपने मनोरंजन के लिए गीत संगीत का आनंद भी ले सकती हैं। राजस्व गांव घोषित वनटांगिया गांव को ग्राम पंचायत गठन कर प्रस्ताव पर रिमाइंडर शासन को भेजने के लिए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने निर्देश दिया है। वनटांगिया गांव की कई कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया है कि विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए और सभी का कनेक्शन करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी कार्य योजना तैयार कर ग्राम समिति को प्रस्तुत करें। ग्राम समिति से यह कार्य योजना स्वीकृत होकर तहसील तथा जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन 5 गांवों में से सभी विकास कार्य का नियमित अनुश्रवण करें। उन्होंने इन गांवों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं उद्यान विभाग को अपनी योजना लागू कराने को कहा है। बैठक का संचालन CDO अनु सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को 4 बजे से पुनः बैठक की जाएगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त लोकतंत्र रक्षक सेनानियों और उनके आश्रितों को परिचय पत्र निर्गत किया जाना है। उन्होंने बताया कि समस्त लोकतंत्र रक्षक सेनानी तत्काल अपने पूर्व लोकतंत्र संरक्षक सेनानी परिचय पत्र, आधार कार्ड और बैंक खातों की छायाप्रतियों के साथ अपने नवीनतम टिकट साइज फोटो राजनीतिक पेंशन लिपिक पटल पर उपलब्ध करा दें, जिससे नवीन परिचय पत्र बनाकर शासन को अवगत कराया जा सके। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के तत्वावधान में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड में किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को एडवोकेट क्रिकेट लीग और भ्रष्टाचार निरोधक समिति के बीच मैच खेला गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज सहित CO कैंट अभिषेक सिंह के अलावा भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस मैच में एडवोकेट क्रिकेट लीग ने
पहले बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम को 71 रन बनाने का लक्ष्य दिया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक समिति की टीम सफल नहीं हो पाई और मात्र 50 रनों पर ही पूरी पाली सिमट गई। इस तरह से इस प्रतियोगिता का पहला मैच एडवोकेट क्रिकेट लीग ने 21 रनों से जीत लिया है। बार के हमारे अध्यक्ष मनु पांडे जी, युवा अध्यक्ष अनिल पांडे जी, अरुण मिश्रा जी, मैं अपने अध्यक्ष जी से चाहूंगा, इस सर्किल पे सीओ महोदय भी यहाँ उपस्थित है, मैं धीरेन्द्र द्विवेदी जी से बड़ी पुलिस अधीक्षक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, उपेंद्र दर दुबे जी बड़ी पुलिस अधीक्षक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अनूप कुमार मिश्रा जी बड़ी पुलिस अधीक्षक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, विनोद कुमार शुक्ला जी विनोद बड़ी पुलिस अधीक्षक जी का उस अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी जी से बड़ी पुलिस अधीक्षक का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अंबिकेश भाई दुबे जी से माल्यार्पण कर स्वागत करें, संजय चौबे जी से चाहूंगा कि बड़ी पुलिस अधीक्षक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, गुरुदत्त को 200 रुपए का इनाम संजय सिंह द्वारा दिया गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें, राहुल तिवारी जी जो इस आयोजन का इनकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें, शशिभूषण मणि जी ड्रीम इलेवन के मैनेजर, आपसे अनुरोध है कि यहाँ के एसएससी महोदय का, हमारे खिलाड़ियों ने जो उम्दा प्रदर्शन किया है यह काबिले तारीफ, बहुत शानदार मैच अभी चल रहा था। चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान दिवस पर जिले के किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी दुगनी करने का जिलाधिकारी ने किया आह्वान। राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों ने मनाई चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित हुई गोष्ठी, लोगों को उनके अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में जनपद में पहली बार आयोजित हुई शस्त्र पंचायत। पिछले दिनों अधिवक्ता और लेखपाल के बीच विवाद में लेखपालों ने लिया यूटर्न, अधिवक्ता को दोषी न मानते हुए की कानूनगो के निलंबन की मांग। उचित मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। साइलेंट जोन का पालन करते दिखे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। 4 जनवरी को चरगावा में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। 8 जनवरी से आयोजित होगा ADHD से प्रभावित बच्चों के पहचान के लिए मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम। 20 पुड़िया हीरोइन के साथ कैंट पुलिस ने दबोचा युवक को, भेजा जेल। जिलाधिकारी की निगरानी में 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक सभी तहसील मुख्यालय और नगर क्षेत्र में होगा राशन समाधान दिवस। जिलाधिकारी ने प्रदेश के पहले महिला चेतना उपवन का किया उद्घाटन। राजस्व गांव घोषित वनटांगिया गांव को ग्राम पंचायत गठन कर शासन को रिमाइंडर भेजने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिले के सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों और उनके परिवारों को जारी होगा नया परिचय पत्र। और 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन, पहले मैच में एडवोकेट क्रिकेट लीग ने एंटी करप्शन कमेटी को 21 रनों से हराया। तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।